उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में आज सहयोग एनजीओ समिति खुटार पर प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सक्सेना योगाचार्य ने सभी क्षेत्रवासियों को बुलाकर योग दिवस के शुभ अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए सभी नगरवासियों को योगासन कराया और सभी नगरवासियों को मास्क वितरित किया। उन्होंने कहा कि आज कोरोना काल में भारतवासियों के लिए कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जहाँ देश और विदेश में वैक्सीन की तलाश हो रही है, जिसको लेकर तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं, वहीं योग के माध्यम से कोरोना को मात देने का रास्ता हम सबको मिलकर अपनाने की आवश्यकता है। योग से आत्मबल और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आज हम सब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमें मिलकर संकल्प लेना चाहिए कि हम सब योग के माध्यम से कोरोना मुक्त विश्व को लक्ष्य प्राप्त करेंगे। तो वहीं योगाचार्य अरविंद सक्सेना ने कहा कि हम सभी नगरवासियों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर सभी लोगों को एवं प्राथमिक विद्यालयों में हमारी कमेटी की तरफ से सभी बच्चों को योग काफी दिनों से सिखाया जा रहा है। सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी तरह से हमारी सहयोग एनजीओ समिति सभी गरीब असहाय लोगों की मदद कर रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना साकार करने और सभी जन को इस कोरोना संकट से उबारने के लिए योग दिवस पर सभी को योग करना चाहिए और दैनिक ही करना चाहिए। इसको करने से शरीर से कोई भी संक्रमण आ नहीं सकता है, हम लोग निरोगी और स्वस्थ रहेंगे। अतः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं आज अरविंद सक्सेना योगाचार्य ये अपील करता हूँ, सभी जन जितने अपने भारतवासी हैं सभी लोग हैं, योग को अपनाएँ और अपना जीवन स्वस्थ और निरोगी बनाएँ। जय हिंद, जय भारत। अखंड भारत न्यूज़ के लिए अनुरुद्ध मिश्रा की रिपोर्ट, शाहजहांपुर।